Hello friends, myself Doctor Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about menstrual cycle in detail part 3. So part 3 में हम discuss करेंगे primordial follicle के बारे में और morphology of oocyte के बारे में जो matured oocyte रहता है. So इसके अगले वीडियोस जो है वो सारे वीडियोस की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड. और इसके अलावा अगर आपको लेबर या मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस वीडियोस की भी सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के सभी वीडियोस को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना जरूरी है क्योंकि सारे वीडियोस जो है वो लिंक्ड है एक दूसरे के साथ. सो प्रीमोडियल फॉलिकल क्या होता है? So primordial follicle consists of an oocyte which is surrounded by a single layer of flattened granulosa cells. The follicle measures about 0.03 to 0.05 mm. The oocyte, that is primitive ovum, measures about 18 to 24 micron in diameter, and nucleus 12 micron, and nucleolus is 6 micron. Throughout childhood क्या होता है? The primordial follicles grows very slowly and this thin growth is not dependent on gonadotropins. तो generally हमें आपने पढ़ा होगा कि जो ओवम जो है वो gonadotropins के या जो follicle है उसकी influence में वो grow करती है. और last video में मैंने ये mention भी किया था कि follicle growth के time पे पहले cluster formation होता है, उसका recruitment होता है, then FSH के अंदर में वो grow होती है. लेकिन यहाँ पर चाइल्डहुड में के टाइम पे जब ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो, जब ज्यादा हॉर्मोन्स बॉडी में नहीं है और इतना ग्रोथ भी नहीं है, तो उस टाइम पे जो ये जो माइल्ड ग्रोथ रहता है उसमें गोनाडोट्रोपिन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है. सो हियर यू कैन सी दिस फर्स्ट पिक्चर. सो ओवम जो है वो फर्स्ट इस तरीके से फ्लैटेंड ग्रेन्यूलोजा सेल से सराउंडेड रहता है. देन फिर बाद में वो मैच्योर होने के बाद जब ओव्यूलेशन हो जाता है तब जो ओवम जो रहता है वो जिसे हम प्राइमरी ओसाइट भी कहते हैं, तो कोरोना रेडिएटा के या जोना पेल्यूसिडा से वो कवर्ड रहता है. देन फिर उसका फर्दर डिविजन होता है जिसमें सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी जो है वो सेपरेट होते हैं. मॉर्फोलॉजी ऑफ ओसाइट के बारे में अब हम देखेंगे. सो विद द मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल देयर इज अ साइमल्टेनियस एनलार्जमेंट ऑफ ओसाइट ऑल्दो एट अ लेसर पेस. यानी कि क्या होता है, जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होती है साथ में ओसाइट का भी एनलार्जमेंट होता है, लेकिन फॉलिकल जो है होल फॉलिकल वो उसका एनलार्जमेंट ज्यादा होता है कंपेयर टू दैट ऑफ ओसाइट. एंड व्हाइल द फॉलिकल कंटिन्यूज टू एनलार्ज अंटिल जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन. तो फॉलिकल कब तक एनलार्ज होती है? उसके रिक्रूटमेंट के बाद में से जब तक उसका ओव्यूलेशन ना हो जाए या जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन तक वो ग्रो होती रहती है या उसकी साइज में वो बड़ी होती रहती है. एंड द oocyte ceases to enlarge around the time of antrum formation. तो जैसे हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि फॉलिकल ग्रोथ कैसे होता है, तो उसमें एंट्रम फॉर्मेशन जब स्टार्ट होता है तब जो oocyte रहता है उस पर्टिकुलर फॉलिकल के अंदर उसका जो एनलार्जमेंट है वो सीज हो जाता है, लेकिन फॉलिकल का ग्रोथ कंटिन्यू रहता है. सो ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये इनिशियल पिक्चर है फॉलिकल का, जिसमें एकदम सेंटर में इस तरीके से ओसाइट है, फिर आजू बाजू ग्रेन्यूलोजा सेल्स है. तो अभी ओसाइट का ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जैसे फॉलिकल इस पर्टिकुलर फेज में पहुंचेगी जहां पे ये जो ब्लूइश पोर्शन है दैट इज एंट्रल पोर्शन, ये जब फॉर्म होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ये ओसाइट जो है वो ग्रो होना स्टॉप हो जाएगा या तो उसका ग्रोथ जो है बहुत ही माइल्ड होगा कंपेयर टू द होल फॉलिकल. The morphological features of the primary oocyte just prior to ovulation. So इसमें मान लो कि बिल्कुल फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो गई है, उसका जो ग्रोथ है प्रायर टू ओव्यूलेशन वो कैसा रहता है? सो इट मेजर्स अबाउट 130 माइक्रोन एंड द न्यूक्लियस मेजर्स 20 टू 25 माइक्रोन. सो जो पहले हमने प्रीमोडियल फॉलिकल में देखा था कि जो उसका ग्रोथ है वो 20 माइक्रोन्स का होता है फॉलिकल का और उसका जो न्यूक्लियस होता है उसका सिर्फ 10 माइक्रोन जितना ही ग्रोथ होता है. जो मैच्योरिटी के टाइम पे 130 एंड 20 टू 25 माइक्रोन जो है वो रिस्पेक्टिवली बढ़ जाता है. The radially arranged granulosa cells surrounding the oocyte is called corona radiata. So here you can see this the picture of matured follicle, and in the center ये pinkish line है, उसके अंदर जो है वो oocyte है. तो उसके आजू बाजू में जो ये granulosa cells surrounded रहते हैं उसे हम कहते हैं corona radiata. The oocyte is surrounded by an outer envelope. फिर ये जो हो गया कोरोना रेडिएट, उसके बाहर जो ये outer envelope यानी कि ये pinkish line है जो that is called as zona pellucida, a glycoprotein layer, and this glycoprotein is secreted by this growing oocyte. So ये जो है वो glycoprotein layer है और ये particular जो protein है वो internally ये जो oocyte है उसके उस particular growing oocyte में से ये secrete होता है. The cytoplasm also called vitellus, और ये जो particular cytoplasm है उसे vitellus भी कहा जाता है, and contains nutritive yolk granules and it is limited by a definite membrane called vitelline membrane, और ये जो है वो vitelline membrane से वो limited रहता है और ये जो particular liquid है वो उस साइड को nourishment देने का work करता है. The space between the vitelline membrane and zona pellucida is called pre-vitelline space. So यहाँ पे ये जो particular space है उसे हम pre-vitelline space कहते हैं. And the spherical nucleus is located near the center of cytoplasm. So यहाँ पे इस तरीके से oocyte के अंदर nucleus रहता है जो cytoplasm के बिल्कुल center में रहता है. And the nucleus is large with sparsely distributed क्रोमाटिन, और फिर उसमें क्रोमाटिन रहते हैं. एंड शॉर्टली बिफोर ओव्यूलेशन मियोसिस इज री इनिशिएटेड. सो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये जो मियोसिस की प्रोसेस है वो पर्टिकुलर ग्रोथ पे आके रुक जाती है ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन लाइफ और ड्यूरिंग चाइल्डहुड. जब तक फर्स्ट ओव्यूलेशन नहीं होता तब तक वो सीज्ड रहती है. जैसे फर्स्ट ओव्यूलेशन होता है वैसे ही उस पर्टिकुलर ओवम के अंदर ये जो मियोसिस की प्रोसेस है वो री इनिशिएट हो जाती है. So that's why 13 ईयर की एज पर जब भी HPO एक्सिस एक्टिवेट होती है तब उसका जो सेकेंडरी डिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है. So at the completion of first and second meiotic division, the number of chromosome in oocyte is halved. पहले वो डबल रहते हैं, 23 इन पेयर रहते हैं. फिर बाद में जैसे उसके दोनों meiotic divisions जो है वो complete होते हैं तब तक उसका जो number of chromosome है वो 23x हो जाते हैं. And दो बार उसका डिवीजन होता है इसलिए 2 polar bodies रिलीज होती है. So that are formed and pushed to the pre-vitelline space. So, ये सिर्फ ओवम का पोर्शन है, सेंटर पोर्शन. जैसा जो आप यहाँ पे आप जो पूरी फॉलिकल देख रहे हो उसमें से सिर्फ इतना सेंटर पोर्शन जो है वो इस पिक्चर में है. तो ये प्राइमरी oocyte है सराउंडेड बाय कोरोना रेडिएटा एंड ज़ोना पेल्यूसिडा. फिर जैसे ये सेकेंडरी oocyte डिवीजन, अभी ये सेकेंडरी oocyte हो गया यहाँ पे आफ्टर द डिवीजन ऑफ पोलर बॉडी. सो इस तरीके से पोलर बॉडी जो है यहाँ पे वो पोलर बॉडी जो है ये प्री विटिलिन स्पेस में पुश हो जाती है और ये जो oocyte जो बचा है प्राइमरी oocyte वो अब सेकेंडरी डिवीजन उसमें स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन ये सेकेंडरी डिवीजन कब कंप्लीट होगा? जब नेक्स्ट उसका फर्टिलाइजेशन होगा तब वो कंप्लीट होगा. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये डिजनरेट हो जाएगा. And the first polar body is formed just prior to ovulation and the second one just after the fertilization. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share amongst your friends. Thank you so much.